हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग फिर से गाड़ी में शुरू हो रहा है बिकॉज आज है सैटरडे बाय द वे, और शाम के 7:30 बज रहे हैं, रात के 7:30 हो रहे हैं, और हमारा अब प्लान बना है कहीं बाहर जाने का। सो आई थॉट आई मे एज वेल जस्ट टेक यू गाइस अलोंग। तो हम अभी गाड़ी में हैं, मैं अभी ड्राइव करने जा रही हूँ एंड दैट इज़ मिस्टर हस्बैंड राइट देयर। आज हमने इतने मोटे मोटे कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि आज बहुत ठंड है, और आज हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पर भी बहुत ठंड होने वाली है। आई विल टेक यू गाइज अलोंग, बट सबसे पहले वहाँ मतलब घूमने जाने से पहले हम जा रहे हैं मंदिर। सो मंदिर चलते हैं और उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, वो सब आपको मैं बताऊंगी। बट अभी शुरू करते हैं। हेलो यू गाइस, सो मंदिर में दर्शन हो गए, ये टिक्का लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अभी हम मंदिर के ही बाहर हैं, एक्चुअली ये मंदिर ही है, यहीं पे पार्क की हुई है गाड़ी। सो अब हम जा रहे हैं माउंट कूथा लुकआउट। सो यहाँ पे ब्रिस्बेन में, मैंने पहले भी इसका व्लॉग बनाया बट जिनको नहीं पता उनके लिए, यहाँ पे ब्रिस्बेन में वो एक मतलब लुकआउट पॉइंट है, मतलब एक ऐसे पहाड़ी सी है, पहाड़ी पहाड़ टाइप कुछ है, और वहाँ पे ऊपर बहुत अच्छा सा लुकआउट है, पॉइंट बना हुआ है, वहाँ से पूरे ब्रिस्बेन का अच्छा खासा व्यू आता है। लेकिन ये है क्योंकि वो पहाड़ है, ऊपर है, तो वहाँ पे बहुत ठंड होती है, गर्मियों में भी बहुत ठंड होती है। तो अभी तो सर्दियाँ हैं, मतलब बाहर अच्छा सा टेम्परेचर, मेरे को लगता है 16-17 डिग्री तो होगा, बट वहाँ जाएंगे तो वहाँ और ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर। इसलिए आज मैंने ये मोटा सा कोट पहना है, और आप पीछे देखोगे यहाँ सीट पे मैंने मफलर और अपनी एक कैप भी रखी हुई है, तो जब हम वहाँ जाएंगे ऊपर की तरफ तो फिर मैं वो पहन लूँगी बिकॉज मुझे वहाँ बहुत ठंड लगती है। अभी मेरे हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं, बट हाँ अभी हम वहाँ जाने वाले हैं और वहाँ से आपको पूरे ब्रिस्बेन का व्यू दिखाएंगे। लाइट वगैरह जल रही होती है, बहुत अच्छा व्यू आता है और मतलब अच्छा माहौल होता है। तो चलो फिर चलते हैं माउंट कूथा लुकआउट। तो जी हम पहुंच गए हैं अपने लुकआउट, और बहुत ज़्यादा ठंड है, और मैं पहनने लगी हूँ अपना सामान। और ये रही, ऐसा लग रहा है कुफरी आ गया, इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ पे। जी ये है हमारा ब्रिस्बेन शहर, पूरा ब्रिस्बेन दिखता है यार। 13 डिग्रीज ही दिखा रहा है वैसे तो यहाँ का भी, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बट आई एम प्रीटी श्योर इट फील्स लाइक 9 or 10 डिग्रीज। सो सबसे ऊपर एक अलग व्यू पॉइंट है, सबसे ऊंचा मतलब, लुक एट हाउ प्रीटी द सरी लाइट्स आर। मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ जैसे बर्फ़ों में आ गई हूँ मैं। अभी मेरा ख्याल है कि गलती से मैं कभी बर्फ़ वाली जगह पर चली गई तो पता नहीं क्या ही हुआ। लुकआउट के बाद हम आ गए डिनर करने के लिए, और मैं अपना कैमरा गाड़ी में भूल गई हूँ, तो अब मैं ये वाली फोटेज जो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। बढ़िया, यह वी आर इटालियन, सो ये है एक चीज़ पिज़्ज़ा, अभी एक पिज़्ज़ा और आने वाला है, और ये है लेमन लाइम फ्रिटर्स, देयर इट इज़।
Thank you very much. Look at how delicious it looks. Extra flakes? Yeah. Sorry, also chili flakes, please. Thank you. Here is our dinner. गुड मॉर्निंग. आई नो कल खाना खाया और उसके बाद मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया बिकॉज लिटरली हमने कुछ नहीं किया. खाना खाया, घर गए और सो गए. और आज संडे वी गॉट अप इन, हमें जाना कहीं और था एक्चुअल में, बट देन घूम फिर के फिर हमारा डिसाइड हुआ कि हम चलते हैं गोल्ड कोस्ट. और आ गए हम यहाँ अपनी फेवरेट जगह मूवी वर्ल्ड में. हमें यहाँ पे एक बुफे वाला रेस्टोरेंट है, वो बहुत पसंद है, उसका खाना बहुत अच्छा होता है. हम एक्चुअली में उसके चक्कर में यहाँ पे आए, बट पता चला यहाँ आने के बाद कि वो तो बंद है अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से. और फिर हमने बस ऐसे इधर उधर थोड़ा बहुत कुछ खाया है. और अब आज ठंड है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, सो आई डिसाइडेड कि यहाँ धूप वाली हमें एक स्पॉट मिल गया है, तो हम यहाँ पे धूप में बैठते हैं. एंड देन मिस्टर हस्बैंड वेंट एंड गॉट अस सम आइसक्रीम, सो वी आर हैविंग कुकीज़ एंड क्रीम धूप में बैठ के. ठंडी ठंडी सर्दियों की धूप जो मीठी मीठी, बहुत मज़ा आ रहा है. अभी तो हमने कुछ खास किया नहीं है, बस यही है अपना धूप में बैठ के आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं. अगर आगे कुछ करते हैं तो आपको बताएंगे. मेरे सिर के ऊपर ये कौवा बातें कर रहा है. एनीवेज आई जस्ट थॉट आई लेट यू गाइस नो. और आज जो भी हम करते हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगी. चुके हैं और अभी यहाँ पे दोपहर के 3 बज रहे हैं शायद, हाँ 3:15 हो रहे हैं. और हमने ले ली है अपनी, मतलब मैंने ली है हॉट चॉकलेट और मिस्टर हस्बैंड हैज गॉट हिज कैपुचिनो एज ऑलवेज. और अभी हम निकल चुके हैं ड्राइव पे और जा रहे हैं एक लुकआउट पॉइंट. तो कल रात में जैसे हम गए थे वो ब्रिस्बेन का लुकआउट पॉइंट था, आज हम जा रहे हैं वहाँ से गोल्ड कोस्ट दिखेगा पूरा. सो चलते हैं अपनी ड्रिंक्स इंजॉय करते हुए रास्ते पे. हालांकि आज बहुत ही ऐसे लेजी लेजी सा दिन हो रहा है. और एज यू कैन सी आई हैव गॉट समबडी सिटिंग ऑन माय फेस. सो या वी विल जस्ट सी कि हम क्या करते हैं. खैर वहाँ लुकआउट तो जा ही रहे हैं और उसके बाद आपको वहाँ से व्यू दिखाती हूँ. हम भी पहली बार जा रहे हैं एक्चुअली, जो हम जिस पॉइंट पर जा रहे हैं वहाँ पर. So here we are. ये है वो लुकआउट जहाँ भी हब हैं और ये है व्यू. Look how pretty, ये नीचे सारा ओशन और वो है पूरी गोल्ड कोस्ट. Thank you.
आर बैक होम. वहाँ लुकआउट पॉइंट के बाद थोड़ी अच्छी खासी लंबी ड्राइव थी घर के लिए, तो हम आ गए अब वापस. अभी हालांकि ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है, 6:30 बज रहे हैं, बट वी आर बैक होम. वी आर गोना जस्ट यू नो चिल, बैठ के कोई मूवी वूवी देखेंगे, कोई शो देखेंगे, और वी आर गोइंग टू कॉल इट अ नाइट. एंड दिस वॉज द व्लॉग. आई थॉट मैं एंडिंग कर दूँ, बट एंडिंग से पहले आपको दिखा दूँ कि मैंने आज क्या पहना था, मेरी आज की OOTD. आई नो शुरू में मैं यूजुअली जाते हुए दिखाती हूँ, आज मैं आने के बाद व्लॉग एंड करने के टाइम पे दिखा रही हूँ. सो दिस इज़ व्हाट आई वोर. आई हैड दिस यू नो स्कर्ट, द वुलन स्कर्ट फ्रॉम शीन फॉर एजेस नाउ, और उसके साथ में मैंने ये अपने लॉन्ग वाले बूट्स पहने हैं. बूट्स के अंदर यहाँ पे मैंने ये स्टॉकिंग्स भी पहनी है इस बार, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड थी सुबह. एंड ऊपर ये वाली टॉप है मेरी ब्लू वाली, और इसको लेयर करने के लिए मैंने ये अपना ब्लैक कोट पहन लिया था. सो दिस वॉज माई OOTD. साथ में मैंने अपना फेवरेट इविल आई नेकलेस पहना था, एंड दिस इज हाउ आई वॉज लुकिंग. अब जा रही हूँ मैं सीधा अपने नाइट सूट में चेंज करने और रजाई में घुसने, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है. अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर लव्ड वंस. अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना. ऐसे और ब्लॉग्स देखने हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, और मैं आपसे मिलूंगी अगली बार. बाई.